पीएम मोदी जी की सुरक्षा का कवच उस अभेद कवच के समान है दोस्तों, जिसको भेदा नहीं जा सकता किसी भी प्रकार से। और दोस्तों उनको यह सुरक्षा कवच स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की हिस्ट्री, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के वेपन्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। और दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मैं आपको वीडियो के लास्ट में यह भी बताऊंगा कि एसपीजी कमांडो कैसे बनते हैं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। दोस्तों स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इज एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोटेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इन सम केसेस हिज और हर फैमिली। दोस्तों जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है वो भारत सरकार की एजेंसी है, जिसकी जो कंप्लीट सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा की देखरेख। एंड दोस्तों कुछ केसेस में भारतीय प्रधानमंत्री की फैमिली की सुरक्षा भी एसपीजी के द्वारा की जाती है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1988 बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका गठन 1988 में भारतीय संसद के एक्ट के द्वारा किया गया था। द एसपीजी प्रोटेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर एट ऑल द टाइम्स बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर्स इमीडिएट फैमिली मेंबर्स रिजाइडिंग विद देम एट देयर ऑफिशियल रेजिडेंस। दोस्तों जो एसपीजी है वो प्रधानमंत्री जी की हर टाइम सुरक्षा करती है 24/7 इंडिया में भी और विदेश में भी। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री जी के साथ में उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके साथ में उनके आधिकारिक निवास में उनके साथ रहते हैं, उनको भी एसपीजी की सुरक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों फैमिली मेंबर्स हाउएवर में डिक्लाइन द सिक्योरिटी। दोस्तों जो फैमिली मेंबर्स हैं अगर वो चाहें तो वो सिक्योरिटी के लिए डिक्लाइन भी कर सकते हैं। प्रीवियसली द एसपीजी मैंडेट इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर्स पेरेंट वाइफ चिल्ड्रन एंड रेजिडेंट एनीवेयर इन इंडिया ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस एंड 4-5 years आफ्टर लिविंग द ऑफिस। दोस्तों जो पहले था जो एसपीजी का मैंडेट था वो इंक्लूड करता था प्रोटेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर को, उनके पेरेंट्स को, वाइफ को एंड चिल्ड्रंस बच्चों को। दोस्तों चाहे वो इंडिया में कहीं भी रह रहे हों, उनके द्वारा एसपीजी के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान की जाती थी जब तक प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहता था और अगले नेक्स्ट 5 साल तक उनका ऑफिस छोड़ने के बाद। However, the Special Protection Group Amendment Act 2019 reduced the such mandate. दोस्तों जो Special Protection Group Amendment Act है 2019 में उसने इस मैंडेट को रिड्यूस कर दिया है। और अभी दोस्तों प्रेजेंटली वर्तमान में सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इज द ओनली एसपीजी प्रोटेक्टी, यानी कि दोस्तों जो अभी हाल करंट में प्रधानमंत्री जी हैं वही सिर्फ एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, इनके सिवाय किसी और को एसपीजी सिक्योरिटी का कवर नहीं दिया जाता है। दोस्तों जो अभी एसपीजी डायरेक्टर हैं वो हैं श्री आईपीएस अरुण कुमार सिन्हा जी। अब दोस्तों हम एसपीजी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। बिफोर 1981 द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एट देयर ऑफिशियल रेजिडेंस वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पेशल सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द दिल्ली पुलिस। दोस्तों 1981 से पहले जो भारतीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जो उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की होती थी। दोस्तों जो ओवरसीन की जाती थी एक ऑफिसर के द्वारा जिनकी रैंक होती थी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी। दिस मॉडल वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों जो यह मॉडल है इसको यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किया गया था। और दोस्तों जहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस, जो लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस है दोस्तों उसके द्वारा वहाँ के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इन अक्टूबर 1981 एक स्पेशल टास्क फोर्स वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एंड रोड एस्कॉर्ट्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग ट्रेवल्स इन एंड आउट ऑफ दिल्ली। दोस्तों जो 1981 में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, ताकि टू प्रोवाइड जो ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी प्रदान करेगी एंड जो रेड रोड एस्कॉर्ट्स होते हैं दोस्तों उसमें जो प्राइम मिनिस्टर जी के ट्रेवल्स के टाइम पे जो दोस्तों उनके रोड शो होते हैं उनमें उनको सिक्योरिटी प्रदान करेगी। दोस्तों इसके लिए आईबी के द्वारा एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था जब वो दिल्ली में होंगे या दिल्ली से बाहर होंगे। दोस्तों आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर
इंदिरा गांधी बाय टू ऑफ हर दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल्स इन अक्टूबर 1984। दोस्तों जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो हत्या की गई थी, उनके जो दो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे दिल्ली पुलिस के, अक्टूबर 1984 में, उसके बाद जो एक रिव्यू किया गया था दोस्तों, एक कमेटी थी सेक्रेटरीट की ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सेक्रेटरीज हैं दोस्तों, उनके द्वारा एक कमेटी बैठक बुलाई गई थी जिसमें दोस्तों रिव्यू किया गया था इस इशू को लेकर। और दोस्तों उनके द्वारा उस टाइम पे कुछ डिसीजन लिए गए थे दोस्तों। द डिसीजंस वर इनिशियली टेकन एज द शॉर्ट टर्म मेजर्स। दोस्तों जो शुरू डिसीजंस को शुरुआत में शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए लिया गया था, बट ऑन 18 फरवरी 1985, 18 फरवरी 1985 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सेटअप आ बिरबल नाथ कमेटी। दोस्तों जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा बिरबल नाथ कमेटी का गठन किया गया टू एग्जामिन द इशू एंड सबमिट रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी। दोस्तों इस इशू को एग्जामिन करने के लिए और जो रिकमेंडेशन है प्रधानमंत्री सिक्योरिटी को लेकर, जो रिकमेंडेशन है उनको सबमिट करने के लिए गवर्नमेंट को। दोस्तों मार्च 18, 1985 में द कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन फॉर द रेजिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर द प्राइम मिनिस्टर प्रोटेक्शन। दोस्तों मार्च 1985 में जो कमेटी है उसके द्वारा रिकमेंडेशन को सबमिट किया गया फॉर रेजिंग द इंडिपेंडेंट एजेंसी, ताकि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी का गठन किया जा सके प्राइम मिनिस्टर प्रोटेक्शन के लिए, जिसको जाना जाएगा स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के नाम से। ऑन 30 मार्च 1985 द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्रिएटेड 1819, यानी कि दोस्तों 1819, पोस्ट फॉर द यूनिट विद द कैबिनेट सेक्रेटरीट, द नेम ऑफ द यूनिट वॉज रिक्रिस्टल्ड स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। दोस्तों जो 30 मार्च 1985 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया जिसमें 819 पोस्ट क्रिएट की गई दोस्तों फॉर द यूनिट विद इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर। और दोस्तों जो नेम था यूनिट का उसको बाद में चेंज करके रखा गया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो लेड किया जाएगा दोस्तों एक डायरेक्टर के द्वारा, हु वुड बी एंड जो एक इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर अधिकारी होगा विद द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दोस्तों जिसकी रैंक होगी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस। एस सुब्रमण्यम दोस्तों द देन जॉइंट डायरेक्टर वीआईपी सिक्योरिटी द इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोस्तों जो एस सुब्रमण्यम जी जो उस टाइम पे जॉइंट सेक्रेट डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उन्होंने ऑफिस संभाला दोस्तों डायरेक्ट एसपीजी का। एंड इनिशियली दोस्तों द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एसपीजी नेसेसिटेटेड अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वेरियस एजेंसीज कंसर्न विद द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों शुरुआत में जब एस्टेब्लिशमेंट हुई एसपीजी की, उन्होंने जो जरूरी थी जो दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना था टू वेरियस एजेंसीज को प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर, उनको दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट किया गया विद 19 पोस्ट, यानी कि दोस्तों 819 पोस्ट के साथ में जो न्यू एजेंसी थी वो लैक कर रही थी दोस्तों मैन पावर को, टू प्रोवाइड द कंप्लीट प्रोटेक्शन टू द प्राइम मिनिस्टर्स पर्सन्स ऑफिस रेजिडेंस एंड डिपेंडेंट्स। दोस्तों जब 819 पोस्ट थी तो जो न्यू एजेंसी थी वो मैन पावर की लैक कर रही थी दोस्तों कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में। प्रधानमंत्री जी के जो पर्सन्स हैं, जो ऑफिस हैं, रेजिडेंस हैं एंड डिपेंडेंट्स हैं, एंड रीनेम मेन डिपेंडेंट ऑन द दिल्ली पुलिस एंड स्टेट पुलिस यूनिट फॉर द लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। और दोस्तों उस टाइम पे जो डिपेंडेंट रही थी दिल्ली पुलिस के ऊपर एंड जो स्टेट पुलिस यूनिट्स हैं उनके ऊपर लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो दोस्तों ब्लू बुक है, एग्जिस्टिंग मैनुअल होती है दोस्तों जो ब्लू बुक है उसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको अमेंड किया गया दोस्तों टू इनकॉर्पोरेट न्यू प्रोक्सीमेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ताकि दोस्तों उसमें जो न्यू प्रोक्सीमेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको ऐड किया जा सके। एट द टाइम द एक्ट ओनली परमिटेड सिक्योरिटी फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज इमीडिएट रिलेटिव्स। दोस्तों उस टाइम पे जो एक्ट है उसके द्वारा सिर्फ प्रधानमंत्री जी और जो उनके इमीडिएट रिलेटिव्स हैं उनके लिए ही परमिशन थी सिक्योरिटी की, एसपीजी कवर की। दोस्तों व्हेन राजीव गांधी लेफ्ट द ऑफिस इन 1989, दोस्तों जब राजीव गांधी जी ने 1989 में अपना ऑफिस, उनका कार्यकाल खत्म हुआ जब ऑफिस छोड़ा, उसके बाद हुई सीज टू रिसीव एसपीजी प्रोटेक्शन एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। दोस्तों उनको जब वो लीडर थे अपोजिशन के, उसके बाद उनको एसपीजी कवर दिया गया था दोस्तों उसके बाद भी। अब दोस्तों कमांड एंड कंट्रोल क्या एसपीजी का किसके हाथ में होता है? दोस्तों द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द एसपीजी इज एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों जो एसपीजी की कमांड एंड कंट्रोल है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों कंट्रोल की जाती है। द हेड ऑफ द फोर्स द डायरेक्टर फॉर्मली सर्व्स एज द ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो दोस्तों फोर्स का हेड होता है डायरेक्टर, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर
दोस्तों इसको सर्व करता है इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरीट में, एंड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कमांड एंड सुपरविजन ऑफ द फोर्स, जो फोर्स है उसकी कमांड और उसके सुपरविजन के लिए। तो दोस्तों डायरेक्टर होता है एसपीजी का, सिंस इंसेप्शन हैज बीन अ ऑफिसर ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस। दोस्तों जब से इसका गठन हुआ है तब से लेकर आज तक जो भी दोस्तों एसपीजी का डायरेक्टर हुआ है वो इंडियन पुलिस सर्विस की जो सर्विस है दोस्तों उसका अधिकारी है रहा है, एंड टूडे होल्ड्स द रैंक ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और दोस्तों आज के टाइम पे जो रैंक है वो होल्ड करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की। दोस्तों जो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, नरेंद्र मोदी द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज करंटली द ओनली पर्सन अंडर एसपीजी प्रोटेक्शन। यानी कि दोस्तों आज के टाइम पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ ओनली एसपीजी प्रोटेक्ट ही हैं, सिर्फ इन्हीं को एसपीजी प्रोटेक्शन कवर प्रदान किया जाता है। जो दोस्तों सोनिया गांधी जी एंड उनके चिल्ड्रन हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को भी एसपीजी प्रोटेक्शन 28 साल तक उनको प्रदान की गई थी, एसपीजी प्रोटेक्शन फ्रॉम 1991 टू 1991 से लेकर 2019 तक। और दोस्तों अंडर द टर्म्स ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट ग्रुप अमेंडमेंट एक्ट 2019, दोस्तों जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, उसके अंडर जो टर्म्स थी उसमें दोस्तों जो एसपीजी सिक्योरिटी डिटेल्स फॉर द मोदीज एस्ट्रेंज वाइफ, जो मोदी जी की जो एस्ट्रेंज वाइफ है दोस्तों जसोदा बेन जी और उनकी स्वर्गीय माता जी श्रीमती हीरा बेन जी के लिए भी दोस्तों जो एसपीजी प्रोटेक्शन है उसको भी विड्रॉन कर लिया गया था सेम ईयर में। और दोस्तों जो एसपीजी प्रोटेक्टीज होते हैं वो दोस्तों जो कानून है उसके मुताबिक उनको पर्सनल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से भी एग्जेम्प्ट किया जाता है दोस्तों एट ऑल एयरपोर्ट्स, किसी भी एयरपोर्ट्स में दोस्तों इंडिया में, और उनको VASS द VIP लॉन्जेस, और दोस्तों वो जो VIP लॉन्ज है उनको एसेस कर सकते हैं एयरपोर्ट्स पे ऑपरेटेड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी है इंडिया की, उसके द्वारा जो ऑपरेट किए जाते हैं वहाँ पे जो VIP लॉन्जेस हैं उनको वो एसेस कर सकते हैं। और दोस्तों उनको जो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है वो वहाँ से भी एग्जेम्प्ट होते हैं जब दोस्तों उनको किसी सर्टेन ऑफिशियल बिल्डिंग्स में एंट्री करनी हो, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड रेजिडेंस में भी दोस्तों वो पर्सनल जो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग है उसके बगैर जा सकते हैं। दोस्तों जो एसपीजी प्रोटेक्टीज होते हैं उनको इससे एग्जेम्प्ट किया जाता है। अब दोस्तों जो स्मॉल आर्म्स, यानी कि दोस्तों जो स्मॉल हथियार वेपन्स जो आर्म्स यूज किए जाते हैं दोस्तों एसपीजी के द्वारा, FNH हर्स्टल F2000, FN स्कार, FNP90 सब मशीन गन, FN हर्स्टल 57 ग्लोक 17 और ग्लोक 19, FN हर्स्टल P90 10F मॉडर्न सब मशीन कार्बाइन, दोस्तों ये कुछ वेपन्स हैं जो एसपीजी के द्वारा यूज किए जाते हैं। दोस्तों जो सिलेक्शन होता है एसपीजी का, दोस्तों जो एसपीजी का सिलेक्शन है वो डायरेक्टली रिक्रूट नहीं करते वो पर्सनल्स को, उनका डायरेक्टली कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता है, जो वो रिक्रूटमेंट किया जाता है दोस्तों इंस्टेड ड्रॉन फ्रॉम द एनलिस्टेड रैंक्स ऑफ द सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेज। दोस्तों जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है जो उनके पर्सनल्स हैं, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो पर्सनल्स हैं दोस्तों उन सर्विसेज में से वो अप्लाई कर सकते हैं डेप्यूटेशन टू द एसपीजी, दोस्तों एसपीजी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर अप्लाई करने के बाद दोस्तों उनको जो रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग है और साइकोलॉजिकल असेसमेंट है एज वेल एज एनहेंस सिक्योरिटी स्क्रीनिंग है उसके वहाँ से भी उनको दोस्तों होकर गुजरना होता है। और जो दोस्तों डेप्यूटेशन टू एसपीजी यूजुअली लास्ट 5 ईयर्स, दोस्तों जो डेप्यूटेशन होता है एसपीजी का वो 5 साल के लिए होता है मैक्सिमम, बट दोस्तों जो डायरेक्टर होते हैं वो अपनी मर्जी से जो है वो जो किसी भी एसपीजी पर्सनल का जो डेप्यूटेशन है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जो ऑफिसर्स ऑफ द एसपीजी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन आर फ्रॉम द आईपीएस, दोस्तों जो ऑफिसर होते हैं एसपीजी के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन के लिए वो इंडियन पुलिस सर्विस से होते हैं। दोस्तों एसपीजी कॉन्टैक्ट विद मीडिया, दोस्तों जो एसपीजी है उनका मीडिया के साथ में क्या कॉन्टैक्ट होता है, दोस्तों जो मेंबर्स होते हैं एसपीजी को उनको बैरेड किया जाता है फ्रॉम द एसपीजी एक्ट। दोस्तों जो एसपीजी एक्ट है उसके द्वारा उनको मीडिया के साथ में दोस्तों किसी भी तरह की पब्लिशिंग कोलेबरेटिंग इन पब्लिकेशन ऑफ एनी बुक लेटर और किसी भी डॉक्यूमेंट में दोस्तों उनके काम को रिलेटेड लेके जो है दोस्तों वो किसी भी चीज़ को किसी भी छोटी सी छोटी बात को भी दोस्तों वह डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, उनको एसपीजी एक्ट इस बात को करने के लिए मना करता है। दोस्तों इंक्लूडिंग अपॉन द रिटायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, दोस्तों रिटायरमेंट होने के बाद भी वह अपने काम को लेकर कहीं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और दोस्तों जो एसपीजी होते हैं और जो इसके पर्सनल्स होते हैं दोस्तों उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर से, अगर
आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर में भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, तो वहां पे भी इनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है। यहाँ पे भी इनको एसपीजी पर्सनल्स को अपने काम को लेकर किसी भी तरह के कंटेंट को पब्लिश और कोलेबरेट करने को दोस्तों कोई भी परमिशन नहीं होती है। इन यह अपने कार्य को दोस्तों कहीं भी डिस्क्लोज किसी भी मीडिया में, कहीं भी सोशल मीडिया में या कहीं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको एसपीजी के बारे में काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें, यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।